और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झज्जर में आज टोल फ्री कराएंगे किसान। अधिग्रहित जमीन के मुआवजे का मामला है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहित 20 दिनों से केएमपी के पास धरना दे रहे हैं किसान। किसानों ने कम मुआवजा देने का भी आरोप लगाया है और मंगलवार से किसानों ने शुरू किया है सत्याग्रह। तमाम अपडेट के साथ संवाददाता जगदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है इस पूरे मामले में? देखिए, किसान लगातार मुआवजा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज 21वां दिन शुरू हो चुका है किसानों का और किसानों ने पहले ही सरकार को आगाह कर दिया था कि हम मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और वो कल से शुरू भी कर दिया। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन होगा। किसानों का कहना है कि जब तक हमारा मुआवजा नहीं बढ़ाया जाएगा, सभी जमीन का रेट एक तरीके से मिले, जैसे गांव के अंदर कई गांव ऐसे आते हैं जिसके अंदर उसी जमीन के दो रेट मिलते हैं, गांव के पूर्व की साइड में अलग रेट मिल रहा है तो पश्चिम की साइड में अलग। किसानों का कहना है कि हमें पूरे इसमें ऑर्बिटल कॉरिडोर की जितनी भी जमीन गांव की अधिग्रहित होगी, 17 गांव इसके अंदर आते हैं, तो सभी का हमें समान रेट चाहिए। और साथ में केएमपी भी है, केएमपी के कारण लोगों का कहना है कि इस जमीन के रेट बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, जबकि सरकार इसको कौड़ियों के दाम खरीदना चाहती है। तो लगातार आज 21वां दिन हो चुका है, 21वें दिन में धरना प्रवेश कर चुका है और ये किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ना कोई आश्वासन मिला है ना कोई इनसे मिलने पहुंचा है। जी बिल्कुल अजयदीप, और ऐसे में किसानों को धरना देते हुए भी काफी दिन बीत चुके हैं, 20 दिन हो चुका है, क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि क्या आज प्रशासन की तरफ से किसानों से बातचीत करने के लिए कोई पहुंचेगा? देखिए, कल एसडीएम बहादुरगढ़ वहां पर पहुंचे, लेकिन उनके बीच में किसानों का कहना है कि उन्होंने सरकार से कोई बातचीत नहीं की, किसानों से बात करने का कोई फायदा नहीं, बात करनी है तो सरकार से करें और हमारी समस्या का समाधान करें, हमारा मुआवजा जो है वो उचित दिलवाया जाए, क्योंकि बहुत महंगी जमीनें हो चुकी हैं, इसलिए हमारा जो मुआवजा है वो कम से कम कलेक्ट्रेट का 4 गुना हमें दिया जाए, किसानों का यही कहना है। जी बिल्कुल, और ऐसे में आज जो टोल फ्री करवाएंगे भी किसान झज्जर में, और अधिग्रहित जमीन का जो इनका ये मुआवजा चल रहा है, ऐसे में किसानों की इसके अलावा और क्या अन्य मांगे हैं? देखिए, टोल फ्री की जो बात, वो केएमपी का टोल फ्री करवाएंगे। किसानों का कहना है कि सरकार जब इस मुआवजे की बात आती है तो सरकार का कहना है कि केएमपी कोई रोड नहीं है, ये कनेक्टिविटी है, तो वो केएमपी का टोल फ्री करवाएंगे ताकि सरकार को पता चले कि इसका जो भी इससे आमदनी होती है वो आमदनी सरकार की बंद हो जाए या ठेकेदार की आमदनी बंद हो जाए तो सरकार को पता चलेगा कि ये रोड है या खाली आवागमन के लिए। तो क्योंकि किसानों का कहना है कि केएमपी के रेट जब इतने, केएमपी एक स्टेट दूसरे स्टेट को जोड़ता है, इतना आवाजाही होती है, तो रेलवे ऑर्बिटर कॉरिडोर के जो मुआवजा मिलना है उसके रेट भी उसी के हिसाब से हैं, लेकिन सरकार इसको कह रही है कि ये रोड नहीं है, तो इसलिए किसान सिर्फ केएमपी के जो टोल है उन्हीं को फ्री करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जगदीप तमाम जानकारी के लिए।